अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूँ आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन अगर हम बात करें, स्टार्टिंग ऑफ द डे काफ़ी हद तक डल दिखाई दिया और हम देख रहे हैं कि सेलिंग भी देखी गई, लेकिन फाइनली मार्केट के अंदर जब क्लोजर रहा तो लेट आवर्स में काफ़ी हद तक मार्केट की जो एक स्पीड है, या हम कह सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग है, वो काफ़ी हद तक देखी गई। इंट्राडे हाई बनाया गया, 47,000 के लेवल को टच किया गया। इट मीन्स के ओवरऑल एक मार्केट के अंदर सिनेरियो चेंज होता हुआ दिखाई दिया और फाइनली आज सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, तो इट मींस कि यहां पे जो है वो इन्वेस्टर्स काफी वेट कर रहे थे कि चीजें सेटल डाउन होती हुई दिखाई दी। कल पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वेलफेयर पैकेज का अनाउंसमेंट किया और ये अपनी नौयत का बहुत जबरदस्त पैकेज था, जिसमें इन्फ्लेशन को मिटिगेट करने के लिए काफी चीजें दी गई, काफी इंसेंटिव्स के बारे में बताया गया, खासकर उन लोगों के लिए, उन मुतवस्सित तबके के लिए जो कि आजकल इन्फ्लेशन के दौर में परेशान है। तो ये तमाम चीजें मिलकर आज के दिन मार्केट को शब्द देते हुए दिखाई दिए पॉजिटिव नोट पे। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा वेलकम ऑन डेली हाइलाइट्स, आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं, क्या रहे स्टैटिस्टिक्स। ओपन हुई मार्केट 47,032.44 के लेवल पर, हायर साइड पर मार्केट गई 47,242.82, लोअर वॉज 46,936.48। हम देख सकते हैं ओपनिंग साइड पर मार्केट के सेंटिमेंट्स जो है वो 47,000 के लेवल पे थे और लोअर साइड भी जो स्टार्टिंग ऑफ द डे है जब भी बनते हुए दिखाई दिया था, एंड फाइनली क्लोजर 47,219.18 का, यानी कि 186.74 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली 561.93 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए हैं और कल के मुकाबले में गेन्स देखे जाते हैं 181.40 मिलियन शेयर के, वैल्यू रही 16 बिलियन रुपीज। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बिंग इन ग्रीन टेरिटरी, एक अच्छी चेंज दिखाई दे रही है। WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.22 के इजाफे के साथ, 2.66 पे क्लोजर, 81.04 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। बायको पेट्रोलियम सेकंड स्कॉट पे 0.33 का गेन देखा गया, 7.98 पे क्लोजर रहा, 30.35 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली टेलीकार्ड 0.98 का गेन देखा गया। टेलीकार्ड राइट शेयर्स में कारोबार देखा गया है, 18.20 पे क्लोजर रहा, 26.59 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स और मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल देखा जाए तो आज भी पेनी स्टॉक्स में ही पार्टिसिपेशन देखी जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। ऑब्वियसली टॉपिक ऑफ द डे में आज के दिन हमने पीएम का जो पैकेज है, यानी कि वेलफेयर पैकेज, जो कि काफ़ी हद तक हिस्टोरिकली सबसे ज़बरदस्त अपनी नौयत का पैकेज देखा जाता है और इसके अंदर जो सब्सिडाइज करने की कोशिश की गई है या इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की गई है, उसमें उन लोगों को टारगेट किया गया है जिनके लिए हमेशा से प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि छोटे तबके को उठाना है, निचले तबके को उठाना है और इसी निचले तबके को उठाने के बाद तरक्की की राहों पर लेके जाना है, क्योंकि पाकिस्तान में हम कह सकते हैं कि गुर्बत का खात्मा होगा तो ही हमारी तरक्याती काम स्टार्ट होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट टेक्सपार एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ज़ीशान साहब, सबसे पहले ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर के जो विजन है इसकी बात हो रही है और खासकर जो हम कहेंगे गुर्बत को मिटिगेट करने के लिए, इन्फ्लेशन को मिटिगेट करने के लिए ये जो पैकेज अनाउंस किया गया है जिसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के सब्सिडीज या हम कहेंगे इंसेंटिव देने की कोशिश की गई है, कितना इंपॉर्टेंट था ये इंसेंटिव देना और खासकर जो आजकल इन्फ्लेशन का दौर नज़र आ रहा है जिसमें गरीब आदमी पिस रहा है, तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट था कि घी या जैसे कि इसमें वीट है यानी कि आटा और इसके साथ साथ दालें हैं उनके ऊपर 30% का डिस्काउंट भी दिया गया है, कितना इंपॉर्टेंट था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया एक ग्लोबल इन्फ्लेशन क्राइसिस से पास ऑन हो रही है। अब पूरी दुनिया में वर्ल्ड प्राइसेस इस वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और चाहे वजह कोई भी हो, लेकिन ग्लोबली फूड प्राइसेस हों, ऑयल प्राइसेस हों, ट्रांसपोर्टेशन प्राइसेस हों, ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसका इम्पैक्ट यकीनन पाकिस्तान पे भी बड़ा तेज़ी से आ रहा है, क्योंकि हम एक इम्पोर्ट सेंट्रिक कंट्री हैं और हमारी बेसिक रॉ मटेरियल जो है हम इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं उसको प्रोड्यूस करते, इसके हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है, चाहे उसमें ऑयल हो, फ्यूल ऑयल, पाम ऑयल हो और दूसरी एडिबल ऑयल हो या आप उसको कह लेंगे दालें हो, ये हम सारी चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं इस वक्त और काफ़ी मिकदार में इम्पोर्ट करते हैं, तो अगर दुनिया में इसकी प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो यकीनन पाकिस्तान में भी प्राइसेस का इम्पैक्ट आएगा। और उसका इम्पैक्ट आने का दो वजहें हैं, एक वजह तो ये है कि डॉलर बढ़ रहा है, अच्छा, और दूसरी वजह ये कि इंटरनेशनली बढ़ रही है। अब आ जाइए कि पाकिस्तान उसको मिटिगेट करने के लिए क्या कर रहा है। इमरान खान साहब जो डे वन से अपना विजन लेके चल रहे हैं कि उनको
गरीबों को फायदा पहुंचाना है और अमीरों से टैक्स लेना है। इस दो विजन को वो लेके अपने साथ डे वन से चल रहे हैं और उसी का जो आपने कल ये जो उनकी तकरीर में सुना कि उन्होंने 120 अरब का जो है ये पैकेज दिया है और सब्सिडी देंगे उन लोगों को कि जो गुर्बत के लेवल से नीचे हैं, इसमें वो लोग आ रहे हैं कि जो जिनके पास नौकरियां नहीं है या वो एक पावर्टी लाइन के नीचे हैं उनके लिए ये पैकेज है और यकीनन ये किसी न किसी हद तक उनको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा उन लोगों को, क्योंकि 6 महीने के लिए उन्होंने कहा कि फ्लैट 30% ऑफ मिलेगा बेसिक कमोडिटीज़ पे और उससे यकीनन चूंकि अदरवाइज इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है और तेज़ी से ग्लोबली बढ़ रहा है तो पाकिस्तान भी यकीनन कोई अलग नहीं है दुनिया से, हमें दुनिया के साथ ही चलना है। जिस तरह से उन्होंने कल इशारा दिया कि जी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, चॉइस नहीं है। और वो चॉइस क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप ये देखें कि पिछले 4 से 5 महीने में जो फ्यूल की प्राइस है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। जो फ्यूल पर बैरल $40 या $45 था आज वो $83 और $85 से क्रॉस कर चुका है। तो इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं, इसमें इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, ये इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ रही है। ये इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान भी उस लाइन में है जो कि इन्फ्लेशन की नजर हो सकता है। तो इसके लिए पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए या मुतवस्सित तबके के लिए इतने इंसेंटिव्स देना टाइमली, ये दोबारा एक अच्छी बात है क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर थी और फौरन इसको इस इनिशिएटिव को लिया गया। यकीनन इस बात को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि वो जो कर सकते हैं उन लोगों के लिए कि जो इस वक्त हार्ड पुश्ड है वो उनके लिए काम कर रहे हैं। आप ये देखें वो मुस्तकिल चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान में बढ़े, वो ये मुस्तकिल चाह रहे हैं कि नई जॉब्स क्रिएट हों। इस वक्त मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे जो इम्पोर्ट हो रही थी वो मोस्टली जो मशीनरी इम्पोर्ट हुई, जो टर्फ फाइनेंसिंग थी टेक्सटाइल में, जो इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी आ रही है इसके समरात आपको दिसंबर और ऑनवर्ड्स नज़र आना शुरू होंगे, ना सिर्फ जॉब क्रिएशन में बल्कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी। देखिए टेक्सटाइल हिस्टोरिकली अभी जो 4 महीने की जो रिपोर्ट या जो थर्ड क्वार्टर की, जो फर्स्ट क्वार्टर की जो हमने रिपोर्ट देखी, टेक्सटाइल ने परफॉर्म किया है, आपने उसको परफॉर्मेंस दी है, तो जब ही आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है और जब टेक्सटाइल में मजीद इन्वेस्टमेंट हुई है तो ये तो मशीनरी की हद तक हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलपमेंट करेंगे तो बाकी इंडस्ट्रीज चलेंगी, सीमेंट इंडस्ट्री चलेगी और दूसरी इंडस्ट्री चलेंगी, तो यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी इससे होगी। फिर जब लोग नई कैपेसिटीज लगाएंगे, नए प्लांट्स लगेंगे, तो यकीनन उसके लिए लोग चाहिए, तो जब लोग चाहिए होंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, तो ये एक रिपल इफेक्ट आएगा। और ये रिपल इफेक्ट मैं समझता हूँ कि जनवरी ऑनवर्ड्स, जैसा हम सुन रहे हैं एक्सपर्ट्स से, एप्टेमा के लोगों से भी सुन रहे हैं कि जनवरी ऑनवर्ड्स इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ जॉब क्रिएशन होंगी और ये जॉब क्रिएशन से एक फायदा जरूर होगा, एक फायदा ये होगा कि वो लोग जो इस वक्त घर में, अगर कोई 5 या 6 की फैमिली में से एक कमाने वाला है और उसमें से अगर 2 कमाने वाले शुरू हो जाएंगे या 3 लोग नौकरी पे लग के कमाएंगे, तो यकीनन उस घर का जो खर्चा है या जो इन्फ्लेशन का जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं उसको सब्साइड होगा। और आपने बहुत जबरदस्त, एग्जैक्टली बहुत जबरदस्त पॉइंट्स आपने रेस किए हैं। तो फूड इन्फ्लेशन के बारे में फर्दर बात करना चाहूंगी। फूड इन्फ्लेशन हमेशा से मसला रहा है और फूड इन्फ्लेशन का ही इम्पैक्ट होता है ज्यादा, जो कि इंटरेस्ट रेट को हमेशा जो है वो अपसाइड पुश देता है। तो आप समझते हैं फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी जरूरी था, जैसे कि अभी सब्सिडीज दी गई है 3 फूड आइटम्स पे ही दी गई है जो कि लोग जो है वो डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं और ये नीड ऑफ दी, एक बोलते हैं ना कि ह्यूमनिटी है कि यहाँ पे खाना खाना ही है, डेली घी खाना ही है, दालें खानी है। तो इस तरीके के आइटम्स पे सब्सिडाइज करना, तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं आएगा या इन्फ्लेशन का जो एक पुश है वो पॉलिसी रेट पे नहीं जाएगा? देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने आज अपना एक इंडेक्स इशू किया, रिपोर्ट इशू किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वर्ल्ड प्राइसेस बढ़ रही हैं। अच्छा। और बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और इंडेक्स काफी तेजी से बढ़ रहा है, यानी जो ओवर द मंथ टू मंथ बेसिस पे 2 से 3% हर महीने इजाफा हो रहा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ये वर्ल्ड इंडेक्स है। तो जब यहाँ बढ़ेंगी प्राइसेस तो इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान में। अब हमें करना क्या चाहिए, मैं समझता हूँ कि जो कोशिशें हो रही हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि हमें जो है स्टोरेज फैसिलिटीज बनानी है, हम उन स्टोरेज फैसिलिटी पे हमें काम करना चाहिए। हमारी जो भी लोकल प्रोडक्शन है कुछ अरसे के लिए हमें एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, जो हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, हमारी चाहे कपास हो, हमारी वीट हो, हमारा चावल हो, पहले डोमेस्टिक मार्केट को केटर कीजिए। अगर हाई प्राइसेस के लालच में उसे एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा
तो यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी और फिर हम वही चीजें दोबारा से री हाई इम्पोर्ट प्राइस करेंगे पे। और वो हाई प्राइसेस पे इम्पोर्ट करेंगे। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बड़ा सीरियसली ये सोचना चाहिए कि क्या एक्सपोर्ट की पॉलिसी, बेसिक एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की एक्सपोर्ट की पॉलिसी पे क्या नजरसानी करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं। ऑब्वियसली करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये इस वक्त एक्सपोर्ट करेंगे, और ये एक्सपोर्ट क्यों लोग करते हैं, क्योंकि बाहर अच्छी प्राइसेस मिलती हैं, तो उसका मतलब ये है कि अगर यहीं पे वो सपोर्ट प्राइस जो तय होती है, वो सपोर्ट प्राइस अगर बेहतर हो जाए या उसमें जो है इंक्रीज हो जाए, तो फार्मर जो है वो इंसेंटिवाइज होगा कि वो अपनी प्रोडक्शन यहीं सारी अपनी बेच देगा, काश जो भी करता होगा वो यहाँ बेचेगा। और दूसरी बात, स्टोरेज की जो उन्होंने कही थी फाइनेंस मिनिस्टर से, मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि अब हमें कहीं ना कहीं उन्हें स्टोर करना पड़ेगा, ताकि इन बढ़ती हुई प्राइसेस को या इस इन्फ्लेशन को जिसकी आपने बात की, हम इसे कंट्रोल कर सकें। और इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि जब आप ये चीज़ें करना शुरू होंगे, तो आप एक फार्मर को एक्सेस दीजिए मार्केट का डायरेक्टली, और जो बीच में जो मिडिल मैन है उसको अगर किसी तरीके से हम खत्म कर सके या उसकी इन्वॉल्वमेंट कम कर सके, वो जो है वो सारी प्राइसेस ऊपर नीचे करता है। ये जो बड़ी एक्सक्लूसिव टॉक्स चल रही है, जिशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की जाने, साथ रहिए। इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस के ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाए रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाए बेहतरीन सरमायाकारी का मौका कहीं भी कभी भी। KASB के ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। वेलकम बैक नाजरीन, ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव टॉक्स देखी जा रही हैं, एहसास प्रोग्राम के ऊपर बात करते हैं। सर, एहसास प्रोग्राम भी दिया गया कोविड के दिनों में, और जब हमने देखा था कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट के या फिर अनएम्प्लॉयड होने के डर से काफ़ी हद तक खौफजदा थे, तो उस वक्त ऐसे पैकेज का ऐलान किया गया, उस वक्त कोविड के दिनों में दिया गया, कितना इम्पॉर्टेंट था एहसास प्रोग्राम को कंटिन्यू करना और अब कितना कंटिन्यू किया जाएगा आने वाले दिनों में? देखिए, एहसास प्रोग्राम को अगर आप लेते हैं तो एहसास प्रोग्राम में दो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हुई हैं। एक चीज तो ये हुई कि उस एहसास प्रोग्राम का जो डेटाबेस था, सबसे पहले तो उसको दुरुस्त किया गया, उसमें जो हकदार हैं उनको शामिल किया गया, और जो उसमें हमने देखी लिस्टों की लिस्टें ऐसी भी हमने सुनी कि जो उसमें फ्री के पैसे ले रहे थे उनको वहां से हटाया गया। तो सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो बेहतरीन काम किया है वो ये किया है कि एहसास प्रोग्राम की लिस्ट को सही किया, जो हकदार हैं उसमें उसको डाला। और यकीनन जो कोविड का टाइम था, इसमें चूंकि पहले डर ये लग रहा था कि फुल लॉकडाउन पे पाकिस्तान चला जाएगा, तो यहाँ पे फिर पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मूव किया। प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम की तारीफ करनी पड़ेगी कि हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया। स्मार्ट लॉकडाउन के साथ साथ ये इंश्योर किया कि वो तबका कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है उसकी मदद की जाए, और वो यकीनन एहसास प्रोग्राम के थ्रू की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान में जो भी काम हुआ बड़ा बेहतरीन काम हुआ, और इसको बड़े बेहतरीन तरीके से अब आगे ले जाया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इंडेक्स, ये जो अब डेटा बन रहा है, ये ना सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल होगा बल्कि इससे आप लेवल्स ऑफ इनकम लोगों की, ट्रांसपेरेंसी का आपने जिक्र किया है जीशान साहब, ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं पर्सनली भी इस बात को समझती हूँ कि कुछ लोगों ने हमारे सामने मैसेजेस करने की कोशिश की अपने NIC नंबर्स NC यहाँ पर एहसास प्रोग्राम के ऊपर, तो वहाँ से आया कि यू आर नॉट एलिजिबल, इतने सारे मैसेज। इट मीन्स कि ये ट्रांसपेरेंट था, और एहसास प्रोग्राम जब ही कामयाब हुआ क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाया गया कि वाकई इसके जो हकदार है उन्हीं को हक मिले, ना कि हर कोई इससे मुस्तफीद हो सके। देखिए, आप देखें डॉक्टर सानिया नश्तर इसमें बड़ा बेहतरीन काम कर रही हैं। अगर आप उनके ट्विटर पे कोई मैसेज डालते हैं तो उनके ट्विटर हैंडल से जवाब आता है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी जवाब कोई सवाल कर दिया और उस पे जवाब नहीं आया। तो शी इज पर्सनली टेकिंग केयर ऑफ दिस प्रोग्राम, पेन ले रही है और उस पे काम हो रहा है। और जैसा मैं आपको कह रहा था कि ये ना सिर्फ डेटाबेस सिर्फ एहसास की हद तक ये रहेगा, अब इसमें यकीनन इसमें जिद्दत लाके इससे लोगों के इनकम लेवल्स को डिटरमिन करके और इसको एक पूरा प्रॉपर डेटा बना के उसको यूज किया जा सकता है, जो सिर्फ आपकी आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो बेरोजगार हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनकी इनकम लेवल इतनी है, और उस हिसाब से कहीं ना कहीं उन्हें सब्सिडी दी जा सकती है। एक जनरल सब्सिडी देने से बेहतर है इस डेटा को इस्तेमाल किया जाए, इस डेटा में जो लोग इनरोल्ड हैं उनको डायरेक्ट सब्सिडी मिले और अमीर आदमी को सब्सिडी ना मिले। तो कहीं अब ये स्टेप्स ऐसे लेने पड़ेंगे। और इसी की तरीके से जो हम बात करते हैं कि जैसे इन्फ्लेशन को कैसे रोका जाए या इन्फ्लेशन को, अब हम गरीब और अमीर को एक ही तरीके की चीज बेच रहे हैं, एक ही तरीके का काम नहीं होना चाहिए। सर, मैं टैक्स के ऊपर ही बात करूंगी, लेकिन अभी मैं मार्केट के बारे में बताती चलूं। पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लेवल देखा जा रहा है। ओवरऑल हमारे साथ एसएन मेहंती साहब मौजूद हैं, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जो ये पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, उसके बाद मार्केट के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस देखा गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑब्वियसली एक फियर था जो कि काफी अरसे से देखा जा रहा था, फाइनली इसको केटर किया गया। देखें, एब्सोल्युटली ये तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है जहाँ पर जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है वो इमिनेंट नजर आती है। IMF प्रोग्राम आगे उसका अप्रूवल है, जाहिर है पॉलिटिकल एक अपहीवल था, अनसर्टेनिटी थी, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो भी एक रिजॉल्व है। आई थिंक के जो रिसीट्स हैं सऊदी गवर्नमेंट से
वो भी एक रिजॉल्व है। अब यहाँ पे पावर प्राइसेस जो हैं उसकी एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पर भी एक पैकेज जो है वो मिल जाएगा। जाहिर है कि जो डेवलपमेंट्स हैं उनका कैपिटल मार्केट पे पॉजिटिव इंपैक्ट आज भी देखा गया और आने वाले दिनों में रुपी की स्टेबिलिटी भी जो है मजीद जो है वो जाते हुए देख रहे हैं। तो ये पूरा जो है एक पैकेज है गवर्नमेंट का, रुपी स्टेबिलिटी भी जिसमें है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी कन्वीनियंट बनाया जा रहा है और जाहिर है उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए पैकेजेस जो है वो अनाउंस किए जा रहे हैं कि उनको इम्पैक्ट जो IMF के प्रोग्राम से पड़ने लगेगा वो वहां पर जो है वो कुछ उनको सब्सिडाइज किया जाएगा। राइट सर, IMF के टॉक्स के बारे में क्या कहेंगे? वो भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो इम्पैक्ट दे रहा है मार्केट को और इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स जो एक कॉशियस नजर आ रहे थे फाइनली वो बाइंग करते हुए या फिर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हुए एक उनका एक कम बैक दिखाई दे रहा है जो कि कॉशियस स्टैंड पे काफी हद तक जो है वो गया हुआ था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, ये जो IMF के प्रोग्राम है उसके बाद जैसी इसका अप्रूवल हो जाता है और जाहिर है हमें काफी ज्यादा अश्योरेंसेस हैं फाइनेंस मिनिस्टर सर की तरफ से भी और स्टेट बैंक जो गवर्नर है उनकी तरफ से भी बार बार ये कहा गया कि किसी भी वक्त जो है खुशखबरी जो है वो कॉम को मिल सकती है। जाहिर है कॉम का बेनिफिट इसमें ये होगा जो रुपी इंस्टेबिलिटी थी, इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट है वो उसके अंदर जो है वो कमी आ सकती है। साथ में हमने देखा कि जो जो सब्सिडीज हैं उसके अप्रूवल भी वहां पर हैं जिन तबकात को मिल सकती है। और फिर जाहिर है कैपिटल मार्केट के लिए अगर देखा जाए तो फॉरेन आउटफ्लोज जो हमें नजर आए पिछले काफी टाइम से वो नजर आ रहे हैं, आई थिंक कि वो फॉरेन आउटफ्लोज रुक सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोबारा जो हमें MSCI का स्टेटस मिला है फ्रंटियर मार्केट का उसमें हमारा वेट भी बढ़ गया, तो आई थिंक कि वो सारी मराते हैं एक्सपेक्टेड है कि कैपिटल मार्केट में फ्लो इन होंगी तो फिर इन्वेस्टर एनवायरनमेंट कन्वीनियंट होता है, मार्केट की कैपिटलाइजेशन बढ़ती है और फॉरेन इनफ्लोज होते हैं, रुपी स्टेबिलिटी होती है, एनवायरनमेंट काफी कन्वीनियंट नजर आ रहा है आने वाले वक्तों के अंदर। राइट और सर, जो कि रुपी की आपने जिक्र किया कि एप्रिसिएशन भी देखी जा रही है, इट्स आल्सो अ गुड टास्क कि यहाँ पर मार्केट के लिए भी एक अच्छा जो है वो जेस्चर होगा। इसके साथ साथ सर मार्केट के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द डे हमने कुछ एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा था, कुछ डल बिहेवियर देखा था इन्वेस्टर्स का, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मार्केट के जो आर्स बढ़ते रहे तो एक हम कहेंगे क्लोजर टाइम पे बड़ा ज़बरदस्त सा मार्केट के अंदर कमबैक दिखाया गया इन्वेस्टर्स की जानिब से, तो वो कौन सा सेक्टर था जिसके अंदर ज़्यादा बाइंग देखी गई या ज़्यादा इन्वेस्टर्स का जो है वो रुझान देखा गया? देखिए कल जो है कुछ कमोडिटी प्राइसेस के अंदर क्रैश हुए हैं और वो इसी वजह से हुआ कि इंटरनेशनल जो जो डॉलर है उसकी वो स्ट्रेंथन हुआ है। कल टेपरिंग को भी जो है वो US गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी को रेट को जो है स्टेबलाइज किया गया US के अंदर। जाहिर है इसकी उसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग हुआ, डॉलर स्ट्रांग हुआ तो सारी कमोडिटीज ऑयल वगैरह के अंदर जो है 5-8% तक जो है वो कमी देखी गई। ऑयल प्राइसेस जब इंटरनेशनल कम होती हैं तो ऑयल स्क्रिप्ट में यूजुअली जो है वो प्रेशर आता है, बट आज जो क्लोजिंग हुई है इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं वहां पर ऑयल प्राइसेस दोबारा से बढ़ना शुरू हुई, जिसके बाद हमने देखा कि जो इंटरनेशनल मार्केट जो तेज हुई है उसका ही लोकल मार्केट पे इंपैक्ट जो है पड़ता चला गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन होती है उसका लोकल मार्केट पे इंपैक्ट आता है, बट सर्टनली जब ऑयल प्राइसेस अब दोबारा से बढ़ना शुरू हुई इंटरनेशनल तो ऑयल स्टॉक्स ने लीड किया है। साथ में हमारा जो लोकल डेटा है ऑयल सेल्स का डबल डिजिट ग्रोथ है, यूरिया सेल्स की डबल डिजिट ग्रोथ है, फिर हमारी एक्सपोर्ट्स की जो है डबल डिजिट ग्रोथ है अक्टूबर के अंदर। तो आई बिलीव कि अगर ये 25% अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाती है एक माह के अंदर ये पॉजिटिव साइन होता है, ये इंडिकेट करता है एम्प्लॉयमेंट नंबर्स पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड पर चला जाता है, जहाँ एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती है पाकिस्तान की और रुपी स्टेबलाइज हो जाता है, वहां पर रेमिटेंसेज बढ़ जाती है आने वाले वक्तों में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो है इन्वेस्टर स्पेकुलेशन इंप्रूव होगी। फिर जिस तरह सब्सिडी पैकेज है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट है, जाहिर है इससे इंडस्ट्रीज को जो है काफी ज्यादा पॉजिटिव जो है उस पे उसका डायरेक्शन बनता है। वेल थैंक यू सो मच एसएन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स है पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री है वो दिखाई दे रही है फाइनली इन्वेस्टर्स की जानिब से, इट मींस के यहाँ पे राइट टाइम है और राइट एनवायरमेंट है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जीशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टैक्स के हवाले से बात हो रही थी। 4 मंथ्स का एक रिजल्ट आता है जिसमें टैक्स कलेक्शन जबरदस्त दिखाई देती है, एक मार्वलस सिचुएशन दिखाई दे रही है आई गेस 37% के करीब करीब में। तो जीशान साहब क्या टारगेट सेट हो रहे हैं और ईयरली जो 5.8 trillion का सेट किया गया है क्या उससे बढ़ा दिया जाएगा टारगेट? मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि टैक्स कलेक्शन जो पहले 4 महीने उसमें बड़ी ज़बरदस्त उसमें जंप आई है, जो FBR ने खुद अपना क्वार्टर का 4 महीने का जो टारगेट सेट किया था वो उससे खुद एक्सीड कर गए 37% से। तो ये इस बात की गमबाजी करती है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी या कहीं ना कहीं एक प्रॉपर एक्टिविटी हो रही है। और यकीनन जो 5.8 trillion का जो टारगेट है मैं समझता हूँ कि अगर पेस ऐसी ही रही तो हम ना सिर्फ इसको अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे
बल्कि इसको अच्छी तरीके से सरपास भी कर लेंगे, क्योंकि ये महीना जो फर्स्ट क्वार्टर होता है जुलाई टू सितंबर, ये स्लो मंथ्स कहलाते हैं एज फार एज टैक्स कलेक्शन इज कंसर्न। इसके बाद दिसंबर ऑनवर्ड्स जो है ना सिर्फ वो टैक्स कलेक्शन में जंप आता है, और जून और आखिरी क्वार्टर जो होता है अप्रैल मई जून, ये बड़ा जबरदस्त क्रूशियल मंथ होते हैं। यहाँ पे एक चीज की वजाहत और भी चाहिए, वो ये कि टैक्स कलेक्शन इंक्रीज की गई है या फिर टैक्स पेयर्स इंक्रीज किए गए हैं, इसके बारे में बताइए। मैं आपको बताऊं, इस वक्त दोनों आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहे हैं। टैक्स कलेक्शन तो अपनी जगह इंक्रीज हुए, जैसे 37% FBR ने ये कोट किया, लेकिन टैक्स पेयर्स की तादाद भी बढ़ रही है। अगर आप कंपैरिजन करें कि पिछले साल इस आज के दिन जब हम बैठे हुए हैं तो कितने रिटर्न्स फाइल हुए थे और आज अभी तक कितने रिटर्न फाइल हो गए, तो इसमें एक बहुत वाजे जंप है। तकरीबन 25 लाख से ज्यादा रिटर्न्स फाइल हो जाना, ये इन इटसेल्फ FBR की बहुत बड़ी कामयाबी है, और इस कामयाबी में जो है ना सिर्फ FBR बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी आपको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसके साथ साथ हम जैसे टैक्स कंसल्टेंट्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हमने दिन रात बैठकर ये काम किया है और हमने कोशिश की। आपकी अप्रिसिएशन अपनी जगह पे है, बहुत जबरदस्त जो है वो आपका काम है ऑब्वियसली, एब्सोल्युटली। लेकिन FBR को इस रोल को थोड़ा सा रियलाइज और रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए, मैं टाइम एंड अगेन कह चुका हूँ इस बात को। लेकिन ओवरऑल टैक्स पेयर्स भी बढ़ रहे हैं, बहुत खुशाइन बात है, और अब जो चूंकि जो थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया है, तो अब तो नादरा जो है वो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन बना बना के एक इंडिकेटिव इनकम जो है वो FBR को बना के देगी कि जी इस शख्स की जो है हमारे हिसाब से इतनी इनकम होनी चाहिए और इसने इतनी इनकम दिखाई हुई है, इस शख्स की हमारे हिसाब से इतने खर्चे हमें मिल रहे हैं और इसने इतने खर्चे दिखाए। तो FBR इज गोइंग फॉर अ मेजर चेंज, और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले एक दो साल में ये नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स जो है ये 40-50 लाख से भी बढ़ सकते हैं, अगर विदाउट हैरेसमेंट, मैं ये वर्ड इस्तेमाल दोबारा से करूंगा, विदाउट हैरेसमेंट अगर इनको टैक्स नेट में प्यार प्यार से कहा जाएगा, प्यार से डालने की कोशिश करें। नहीं, इसमें आपका बहुत किरदार है और टैक्स कंसल्टेंट्स का बहुत किरदार है कि वो लोगों को इतना ज़्यादा गाइड करते हैं कि आप आएँ, प्लीज़ टैक्स दें, टैक्स पेयर होना चाहिए, आपको फाइलर होना चाहिए, तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड जॉब। बट टैक्स पेयर्स की बात हो रही है और टैक्स पेयर्स बढ़ाने की बात हो रही है, तो सर हमें पेनी पेनी वाले टैक्स पेयर्स नहीं, कुछ बड़े जाइंट जो कि टैक्स चोरी करते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँ। इस वक्त जो है कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस ने पूरी एक रिपोर्ट बनाई है पाकिस्तान वाइज, जिसमें जो उनके चीफ कमिश्नर है डॉक्टर आफ्ताब इमाम, उन्होंने ना सिर्फ एक निशानदेही की है कि तकरीबन 36 बिलियन रुपीज़ का जो है इनकरेक्ट इनपुट एडजस्टमेंट है। अच्छा। और ना सिर्फ वो रिपोर्ट जो है FBR को दी है, FBR ने उसको तमाम अपने जोन्स को सर्क्यूलेट किया है और इस पर अब एक काम हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अच्छा काम को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अगर इस टाइप का काम होने लगा तो जो आप कह रहे हैं ना कि जो बड़े बड़े लोग जो टैक्स को डॉज देते हैं, यकीनन पहले उन पे हाथ लगना चाहिए, पहले उनको टैक्स नेट में लेना चाहिए और उनको एग्जाम्पल बनाना चाहिए ताकि दूसरों के अंदर एक डेटरेंस क्रिएट हो। देखिए, टैक्स ज्यादा लगाने का ये मकसद नहीं है कि किसी को मार देना, उसको ठीक करके उसको नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ा देना कि यहाँ से आगे जाओ, ताकि उसको भी काम करने में जो है आसानी हो। और FBR का या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये रोल होना चाहिए कि जिसका ड्यू टैक्स है वो अपना ड्यू टैक्स दे, और जिसका टैक्स नहीं बनता गवर्नमेंट उसको परेशान ना करे। राइट। अच्छा सर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है, इकोनॉमी जो है वो अब हम कह सकते हैं एक ट्रैक पे दिखाई दे रही है और एक सक्सेसफुल ट्रैक पे दिखाई दे रही है जो कि सही गामजन है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे चैलेंजेस थे, चैलेंजेस की भी बात करेंगे, रिफॉर्म्स से भी पूछना चाहूंगी, लेकिन अभी हम देखते चलते हैं रिपोर्ट, साथ रहिए। मशहूर कहावत है कि सनत का पहिया चलता है तो ही मईशत फरोख पाती है, और इसी की बदौलत मुल्क में रोजगार के मौके भी बढ़ते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मुंतखब हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसीज के बायस मौशी और बिलखसूस सनती सरगर्मियों में तेजी आई है। हुकूमत की कामयाब सनती पॉलिसियों के बायस तेज रफ्तारी से नए सनती यूनिट्स लग रहे हैं और सालों से बंद यूनिट्स अब बहाली की जानिब गामजन है। वजीर आजम जनाब इमरान खान का विजन है कि हुकूमत बरामद कुनंदगान के लिए आसानियां पैदा करे, दरामदाद और बरामदाद के दरमियान पाए जाने वाले फर्क को कम करने के लिए हंगामी इकदाम उठाने से ही माशी गिरावट में ठहराव पैदा हुआ है। माशी उमूर के माहिरीन तस्लीम करते हैं कि हुकूमत को जारी खातों का खसारा कम करने में कामयाबी मिली है, ये कामयाबी तरसीलात ज़र और बरामदाद में इजाफे जबकि दरामदाद में कमी की सूरत में हासिल हुई है। जहाँ हुकूमत ने दीगर कुछ शोबों में अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाई है, तो वहीं पैदावारी शोबे में भी कुछ सेक्टर्स में बेहतरी आई है।
पाकिस्तान के दारा शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक फर्टिलाइजर सेक्टर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की पैदावार, इंजीनियरिंग मसनूआत की पैदावार में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मुल्क में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी के पैदावारी शोबा मुसलसल बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरतहाल का मुवाजना 3 बरस कबल की मुआशी सूरतहाल से करें तो मालूम होगा कि इन बरसों में पाकिस्तान की गैर यकीनी सूरतहाल और एहसास अदम तहफ्फुज की वजह से गैर मुल्की सरमायाकार तो दूर की बात, बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी सरमायाकारी से कतराते थे। हालात साजगार होने के बाद चीन ने अमली तौर पर पाकिस्तान में सरमायाकारी की। सी पैक की शक्ल में होने वाला मुहायदा पाकिस्तान की मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करने की तरफ बेमिसाल कदम है। अस्करी और सियासी क्यादत की हम आहंगी ने पाकिस्तान की मईशत पर मजबत असरात मुरतब किए हैं। पाकिस्तान की बेहतर मौशी पॉलिसियाँ मुल्क में सरमायाकारी में इजाफे का बायस बन रही हैं। दरहकीकत पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त राह पर गामजन हो चुकी है, जिसका एतराफ बैनुल अक़वामी सतह पर भी हुआ है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आया है और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। यही नहीं, पाकिस्तान का शुमार 10 उभरती हुई मईशतों में भी होने लगा है। एग्जैक्टली, बिजनेसेस जब ही फ्लरिश करते हैं जब उनको एक राइट ट्रैक दिया जाता है, यानी कि राइट पॉलिसीज दी जाती हैं, चाहे वो सब्सिडाइज होने की सूरत में हो या फिर ओवरऑल रूल्स या क्लीशेस के हवाले से हो। जीशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जीशान साहब, मुझे याद है पहले भी आपने हमारे प्रोग्राम में बताया था कि हमें राइट पॉलिसीज की ज़रूरत है। अब फाइनली वो पॉलिसीज आ रही हैं और हम कुछ ना कुछ सुनते जा रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में कि ये पॉलिसी इस सेक्टर के लिए आ गई है, ये पॉलिसी इस इंडस्ट्री के लिए आ गई है। तो कितना इंपॉर्टेंट था ये रिफॉर्म्स पैदा करना, ये रिफॉर्म्स सही रास्ते पे लाना। देखिए, आप इसको इस तरह से कहिए, राइट एंड कंसिस्टेंट पॉलिसीज, क्योंकि राइट पॉलिसी होना और उसे कंसिस्टेंट होना, उससे इन्वेस्टमेंट आती है, उससे लोगों को ये पता होता है कि जी मुझे 5 साल का मेरा कैश फ्लो क्या रहेगा, मेरे एक्सपेंसेस क्या होंगे, मेरे टैक्सेस क्या होंगे। तो आप अगर जब पॉलिसीज की बात करते हैं तो उसका कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली माजी में पॉलिसीज 2-2 महीने के लिए बनती थी, कभी 1-1 दिन के लिए भी SRO आते थे और वो SRO बदल जाते थे उसके बाद। तो हमने अपने मुल्क को एक सही डायरेक्शन पे डालने के बारे में शायद कभी सीरियसली नहीं सोचा था। देखिए, पाकिस्तान जो है बड़ा एक तो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्लेस्ड है, प्लस पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है दुनिया की बड़े तरीन पॉपुलेशन में शुमार होता है, हम 11वीं रिटेल मार्केट ऑफ द वर्ल्ड है। यानी हमारे पास जो है, अगर कोई भी बड़ी रिटेल इंडस्ट्री आना चाहती है तो वो उसको आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन क्या हमने उसके लिए कोई कन्वीनियंट पॉलिसीज बनाई हुई हैं? क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसके लिए आसान है? क्या हम अपने आप को इतना मार्केट कर रहे हैं इंटरनेशनली कि हमारे पास इतना स्पेंडिंग पावर मौजूद है और इतने लोग हैं जो दिन में हर रोज एवरेज पे इतना खरीदारी करते हैं? तो जब तक हम इन फैक्ट्स को पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को आगे मार्केट नहीं करेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। नो डाउट यहाँ पे पोटेंशियल भी बहुत है और बाइंग पावर भी मौजूद है, इस पे ही बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब। स्टे ट्यून। इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K-Trade ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका कहीं भी कभी भी। KASB K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई।
शायकीने क्रिकेट के लिए खुशखबरी, अहम और अच्छी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि वेस्टइंडीज़ क्रिकेट टीम ने अगले माह दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान और बिलखसूस क्रिकेट लवर्स के लिए अच्छी खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। वेस्टइंडीज़ ने अगले माह दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी है। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे ज़ीशान क़य्यूम से। ज़ीशान, अगले माह वेस्टइंडीज़ क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है, तफसील से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर है, एक शायकीने क्रिकेट के लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर है और एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि खुशखबरी है उनके लिए कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम उनके लिए खुशखबरियां दे रही है। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम जो है वो दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा कर रही है, जिसमें वो 3 T20 और 3 1 इंटरनेशनल मैचेज़ खेलेगी। ये मैचेज़ जो हैं ये 13 से 22 सितंबर तक नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। और अगर मैं बताऊँ तो 2018 के बाद जो है वो वेस्ट इंडीज़ का ये पहला जो है वो दौरा पाकिस्तान होगा। वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो 9 दिसंबर को कराची पहुंचेगी, जिसके बाद 13 दिसंबर को पहला T20 मैच होगा, दूसरा T20 मैच जो है वो 14 दिसंबर को और तीसरा T20 मैच 16 दिसंबर को होगा, जिसके बाद दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे जो कि 18, 20 और 22 दिसंबर को होंगे। और 23 दिसंबर को वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है ये अपना दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस चली जाएगी। शायकीने क्रिकेट जो गुज़िश्ता महीने जब उनके होम सीरीज़ उनकी मनसूख हुई थी तो थोड़े से मायूस थे, लेकिन अब वेस्ट इंडीज़ की टीम के दौरे पाकिस्तान की जो खबर आई है उस पर शायकीने क्रिकेट यकीनी तौर पर ना सिर्फ खुश होंगे बल्कि वो ये चाहेंगे कि वो स्टेडियम में जाकर जो है ये अपने मैचेस को एंजॉय कर सकें। बहुत शुक्रिया ज़ीशान क़य्यूम आपका तफसील से आगाह करने के हवाले से। वनडे और T20 सीरीज़ खेली जाएगी वेस्टइंडीज़ और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के लिए, शायकीने क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर है। वेस्टइंडीज़ क्रिकेट टीम अगले माह दौरा पाकिस्तान कर रही है और वेस्टइंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। नाज़रीन, बाइंग पावर के हवाले से बात हो रही है और पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है। पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली नो डाउट पोटेंशियल नज़र आता है ज़ीशान साहब। अब जो कि एक कैशलेस इकॉनमी की भी बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर कैश के ऊपर ही काम होता है रिटेल का, तो उसके बारे में बताइए, अगर कैशलेस इकॉनमी होगी तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा और ओवरऑल जो कैश पर काम हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि फिर टैक्स और लूप होल्स यहीं से जन्म लेते हैं सारे। देखिए, अगर अभी आपने अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस देखा हो तो उसमें कंपनीज के लिए जो है एक चेंज लेके आया गया है और उसमें ये कहा गया कि कोई भी कंपनी, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, अगर वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई भी खर्च करेगी तो वो उसे ऑनलाइन अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करना होगा। यानी ना वो चेक दे सकती है, अच्छा, ना वो पे ऑर्डर दे सकती है, ना वो डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं, ना वो कोई और चीज़ देंगे, वो डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो बात हो रही है कि ये इस वक्त एक पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट लाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में भी और पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, और उसी का इम्पैक्ट जो आप जो रिटेल की कैशलेस उसकी बात करती हैं, पेमेंट्स की या कैशलेस ट्रांजैक्शंस की बात करती हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से अगले स्टेप्स में होगा। अब आप ये देखिए कि नॉर्मली पहले डेबिट कार्ड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, अब एक क्रेडिट कार्ड्स का रुझान आ गया, तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहे हैं। जितना इन कैशलेस ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल होगा उतनी डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी, जितनी डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी उतना ही टैक्स नेट बढ़ेगा, उतने ही ज्यादा लोग सिस्टम में आएंगे, क्योंकि ये पूरी एक चेन मैकेनिज्म है। ये पर्पस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, इसके पीछे बुनियादी पर्पस जो है, एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस है, दूसरा जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसमें ओपन चेक्स कहीं घूमे ना, तीसरा ये है कि डॉक्यूमेंटेशन हो, चौथा ये जिसकी जो रियल इनकम है वो डिटर्मिन हो जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमेंडमेंट तो अच्छी आई है, लेकिन इस वक्त हमारे बैंक्स गेयर्ड अप नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब ये अमेंडमेंट लेके आए तो इसको 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए डेफर किया, 1 नवंबर तक डेफर था, अब फिर सर्कुलर लेके आया गया, अब उसको 30 नवंबर तक डेफर किया गया। रीजन क्या है? रीजन ये है, देखें उसकी वजह ये, देखें कानून लाने से पहले जब तक स्टेक होल्डर से डिस्कस नहीं किया जाएगा तो कानून ना सिर्फ ना इम्प्लीमेंट हो सकता है, ना आप उससे डिजायर्ड रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कराची जैसा शहर, ठीक है, कैशलेस आप चले जाएंगे, ब्रांचलेस बैंकिंग भी हो जाएगी, आप जो है ऑनलाइन पेमेंट्स भी कर लेंगे, लेकिन क्या ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अंदरूने सिंध में? आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो शुगर कंपनीज हैं वो अपने फार्मर्स को
कैशलेस पेमेंट करेंगे, क्या ये मुमकिन है? क्या आपने उस फार्मर को इतना एजुकेट किया कि भाई अब पेमेंट आपको सिर्फ बैंक अकाउंट में होगी? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। अगर आप एक डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप हर चीज टैक्स पेयर के ऊपर नहीं डाल सकते, आप हर कानून को लाकर उससे ये नहीं कह सकते कि आप इसको इम्प्लीमेंट करवा दो। तो जहाँ बहुत सारी चीजें, आई थिंक ये पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया जाए, वर्कशॉप्स की जाए, अवेयरनेस जनरेट किया जाए, फिर उसके बाद यू निप्ट इन द बट। जहाँ बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छी कर रही है, वहाँ कुछ ऐसे डिसीजंस भी हो जाते हैं कि जिसको मेरे ख्याल से ज्यादा थिंक ओवर नहीं किया गया होता या उसके ऊपर ज्यादा डिबेट नहीं हुई होती, जिसमें से ये एक अमेंडमेंट जो अभी इस लेकर आए हैं जहाँ पे कंपनीज को ये कहा गया है कि वो पेमेंट्स ऑनलाइन करें। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर अलाउ ही नहीं करता कि दिन में आप सर्टेन ट्रांजैक्शन से ज्यादा ट्रांजैक्शन कर सके, वो अलाउ ही नहीं करता कि सर्टेन अमाउंट से ऊपर की पेमेंट आप ऑनलाइन करें, उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं। तो जब तक ये, अगर इसको इसको एग्जांपल दीजिए कि अगर ये मैरिज है ऑफ टू पीपल, तो इसमें दोनों को एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि बैंकिंग सेक्टर इस डायरेक्शन में जाए, टैक्स पेयर अलग डायरेक्शन में जाए और गवर्नमेंट किसी और डायरेक्शन में जाए, ये नहीं हो सकता। तो ये सिंक्रोनाइज्ड वे में चलना पड़ेगा। और इसको ना सिर्फ जैसे आपने कहा अवेयरनेस सेमिनार्स होने चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स को लिस्ट किया जाना चाहिए। हम डेली बेसिस पे ब्रेनस्टॉर्म करके और प्रॉपर एक सोल्यूशन निकाल के जो है वो चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि आने वाले दिनों में उसके नतीज भी आ रहे हैं। अगर हम पॉलिसीज की बात करते हैं तो स्टार्टिंग से हम डिस्कशन कर रहे थे, नाउ वी हैव सीन दैट कि यहाँ पर चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ। मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, आपके प्रोग्राम की नीश क्या है कि आप रिसर्च करके आती हैं, और जब रिसर्च करके आती है तो डेफिनेटली प्रोग्राम अच्छा होता है। तो अगर हम अपने हर शोबे में इस रिसर्च को, उस मेहनत को अगर सामने लेके आएंगे, और जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जब हम उनसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब भी कोई कानून लाया जाता है वो एक बंदे के लिए नहीं, एक के लिए इंडिविजुअल, एक फर्द के लिए नहीं लाया जाता, पूरी कौम के लिए लाया जाता है। तो जब उस पे आप कोई नया कानून इंप्लीमेंट करते हैं या लेके आते हैं, तो जब तक उसको डिबेट नहीं करेंगे, उसको डिस्कस नहीं करेंगे, उसको समझाएंगे नहीं, उसकी इंप्लीमेंटेशन उतनी ही मुश्किल होती चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है जिसको हमने काफी डिटेल डिस्कस किया। अच्छा, पावर टैरिफ की बात हो रही है, IMF की भी ये नेगोशिएशन में एक पॉइंट था कि पावर टैरिफ इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पर गैस की भी कमी देखी जाती है, विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो इनको कैसे सेटल किया जाएगा, इसमें कौन सा बीच का रास्ता इख्तियार किया जाएगा? मैं ये समझता हूँ कि पावर टैरिफ जो है, हमारे यहाँ बिजली की चोरी हम नहीं रोक पा रहे, हम लाइन लॉसेस को नहीं रोक पा रहे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे जिस तरह से हमें वो सिस्टम को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, जैसे प्रीपेड मोबाइल के कार्ड्स होते हैं, तो आप प्रीपेड वेस्ट में है भी, जी हाँ, प्रीपेड एनर्जी कार्ड्स लेके आइए कि जितना आपने कंज्यूम किया, जितने का बैलेंस है आपके पास, उतनी बिजली चलेगी, फिर बिजली बंद हो जाएगी, फिर मेरी बिजली पे कोई कुंडा लगा के तो देखे फिर ऑब्वियसली आपको लाइन लॉसेस बचाने, तो आपको इनोवेशन करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आप बात करें, जैसे अब हम सर्दियों के सीजन में एंटर हो रहे हैं, गैस की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। मैं आज ही ट्वीट पढ़ा था हमाद अजहर साहब का, उन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स को कम कर रहे हैं, तकरीबन 12% से रेट्स कम हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के, जो कि नवंबर से गालिबन फरवरी तक चलेंगे। तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से सिर्फ रेट कम करना जरूरी नहीं है, अब लोगों को बताइए कि भाई अब आप इलेक्ट्रिक चूल्हों की तरफ जा सकते हैं, चूंकि इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स कम हो रहे हैं, गैस अवेलेबल नहीं है, गैस पे सारा ब्लेम जाता है कि हीटर भी चलाने हैं, चूल्हे भी चलाने हैं, गीजर भी चलाना है। इलेक्ट्रिक हीटर ले सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक चूल्हे ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक गीजर ले सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हमें शिफ्ट करना पड़ेगा अपने इस मिक्स को, क्योंकि हमारा जो इस वक्त गैस का मिक्स है वो बहुत ज्यादा है, उसको जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक ये कमी होती रहेगी, लोड शेडिंग होती रहेगी, और हम इसी तरह से रोते गाते रहेंगे कि जी गैस नहीं है, हम इसी तरीके से रोते गाते रहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की हम कैपेसिटी पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं। इस प्राइसेस कम करने से होगा ये कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगी, तो जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं आपकी वो कम हो जाएंगी। जब कैपेसिटी पेमेंट्स कम होगी तो जो आपका सर्कुलर डेट है वो कम हो जाएगा, यानी उसको आप कंट्रोल करने में कामयाब रहेंगे। रोने गाने से मुझे इंटरनेशनल ऑयल प्राइस भी याद आ रहे हैं, लेकिन अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। तो
कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,12,460 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 96,519 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर अराउंड 1,769.78 रुपीज। हम ये नोटिस कर सकते हैं कि गोल्ड की प्राइस स्लोली ग्रेजुअली लोकल मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी कम होते हुए दिखाई दे रही है। ऑयल WTI पर बैरल $80.86, ऑयल ब्रांड क्रूड पर बैरल $81.99। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 195 रुपीज, सेलिंग वॉज 197। यूके पाउंड बाइंग रही 230.50, सेलिंग वॉज 233 रुपीज। US डॉलर बाइंग रही 169.80, सेलिंग वॉज 171.30। चाइनीज यॉन बाइंग एट 23.75, सेलिंग वॉज 23.90। सऊदी रियाल बाइंग रही 44.50, सेलिंग वॉज 45 रुपीज। UAE दिरहम बाइंग एट 47 रुपीज, सेलिंग वॉज 47.50। कुवैत दिनार बाइंग रही 481.70, सेलिंग वॉज 484.20। एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.70, सेलिंग वॉज 394.70। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। ऑयल प्राइसेस भी आज कमी हम कह सकते हैं कि इसमें आते हुए दिखाई दे रही है, $81 के अरीब करीब। इट मीन्स कि यहाँ पे भी एक फाइनली बैकफुट होते हुए ऑयल प्राइस इंटरनेशनली दिखाई दे रहे हैं। इसका इम्पैक्ट लोकल मार्केट में आएगा, लेकिन ये इम्पोर्ट बिल पे जो है वो मुनसर होता है। तो जीशान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जीशान साहब, अभी यहाँ पे जो ऑयल प्राइस में कमी आ रही है इंटरनेशनली, तो लोगों की ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि वो समझते हैं अभी आज कम हो गया है, अब आज ही हमारे पास भी कम हो जाना चाहिए, तो हमें क्यों बोला गया कि बढ़ेंगे प्राइसेस। तो प्लीज जरा ये समझाइए उन्हें कि इम्पोर्ट बिल का जो एक ड्यूरेशन होता है वो जरा लंबा होता है। आसान सी एग्जाम्पल है कि आप कोई भी चीज जब ऑर्डर इन करते हैं तो अगले दिन आपके पास पहुंचती है। जैसे विद इन पाकिस्तान आपने किसी जगह से ऑर्डर किया तो वो डिलीवरी टाइम कहते हैं कि 2 से 3 दिन लगेंगे। तो 3 दिन में जब विद इन पाकिस्तान पहुंचती है, तो ये तो आप दुनिया के कई मुख्तलिफ मुल्कों से मंगाते हैं ऑयल, यानी जिस जगह से भी आप मंगा रहे तो वो आता जहाज के थ्रू है, पानी के जहाज के थ्रू आता है, वो टाइम लेता है 15 दिन से 20। पाकिस्तान का ऑयल रिजर्व तकरीबन 15 से 20 दिन का होता है और वो उसको मिक्स को मेंटेन रखते हैं, या 1 महीना होता है। उस मिक्स को मेंटेन करने के बाद जब नेक्स्ट शिपमेंट्स बुक होती हैं तो यकीनन उसको आने में टाइम लगता है। तो ये जो इम्पैक्ट अगर प्राइस कम हो रही है ऑयल की 40 डेज का 50 डेज का, उसमें आपके पास लैग आएगा और वो लैग आपको इम्पैक्ट उसका उतने अरसे बाद मिलेगा। राइट। तो आज अगर कोई कह रहा है कि इंटरनेशनली कम हुई है और मुझे आज ही मिल जाए, ऐसा इसमें डिले आता है। राइट, चलें जी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। KASB K-Trade लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K-Trade ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका कहीं भी कभी भी। KASB K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हमारे साथ जो है वो रही। जीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, प्रोग्राम का हिस्सा बने और काफ़ी डिटेल एनालिसिस पीएम वेलफेयर पैकेज के ऊपर और ख़ासकर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सामने आए और उनके जो नतीज दिखाई दे रहे हैं, डे बाय डे कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, डे बाय डे लोगों के लिए जो है वो एक अच्छी चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यही वेट कर रहे थे, यही नतीजे जो थे वो काफ़ी हद तक हम कहेंगे पेंडिंग थे और अब उनके नतीजे जो है वो बहुत ज़बरदस्त आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।